BTS का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, BTS का मतलब है बैंगटन सोनियोडन, जिसका अर्थ होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। अब एक कोरियन केपॉप बैंड इतना फेमस है कि पूरे वर्ल्ड में इसके लाखों करोड़ों फैंस है। आज हम BTS के बारे में चार ऐसे फैक्ट सुनने वाले है जिसे आपने शायद ही सुना होगा। ये जो केपॉप बैंड है वो साउथ कोरिया के अर्थव्यवस्था में लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करता है। हुंदई रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार 2017 में अगर 13 पर्यटकों ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है तो उनमें से एक पर्यटक जरूर ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ BTS की वजह से दक्षिण कोरिया का दौरा किया है। इसी फैन फॉलोइंग की वजह से जो क्लोथ, कॉस्मेटिक एंड फूड जैसे साउथ कोरियन प्रोडक्ट में बढ़ोतरी दिख रही है, उसके पीछे इसी बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। फोर्ब्स के अनुसार 2017 में BTS द्वारा आया हुआ DNA म्यूजिक वीडियो YouTube की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कमेंट किए जाने वाला म्यूजिक का वीडियो है, जिस पर आज तक 5 मिलियन से भी ज्यादा कमेंट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड साई द्वारा मेगा हिट गंगनम स्टाइल म्यूजिक वीडियो पे था, जिस पर लगभग 5.04 मिलियन कमेंट। BTS एकमात्र ऐसा K-pop समूह था जिसने अपना ट्विटर इमोजी प्राप्त किया था। बस यही नहीं, ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला सबसे पहला कोरियाई अकाउंट भी यही है। अगर बात करें BTS के इनकम की तो इनमें भी ये बहुत आगे है। BTS की कुल संपत्ति लगभग 60 मिलियन डॉलर है और ये सिर्फ 2018 तक के आंकड़े है। ये बैंड अपने म्यूजिक, टूरिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के थ्रू ये सारा पैसा कमाता है। सभी सदस्यों के पास प्रति तौर पर लगभग 8 मिलियन डॉलर की निजी संपत्ति है, जिसमें जे होप सबसे अधिक कमाई करता है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 12 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, BTS के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, और ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।